आज से 3 साल पहले मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी थी और आज ट्रांसप्लांट करवाने के बाद 3 साल हो गए हैं, अब मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट सचिन गुंबर। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने 3 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने क्या क्या अभी तक एक्सपीरियंस किया है, अभी अपने बालों की केयर के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि मेरा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बना हुआ है, और मैं क्या मेडिसिन वगैरह यूज़ करता हूँ, तो ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी अपना जॉब स्विच किया है, उसकी वजह से नई लोकेशन पे जाने के कारण मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया। तो फाइनली आज कुछ टाइम निकाल कर मैं अपना रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि भैया नई वीडियो लेके आइए, अपना रिजल्ट दिखाइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। तो आज फाइनली मैं अपना कुछ टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे 3 साल पहले की कंडीशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं मेरा कुछ इस टाइप की मेरी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन थी। मेरा जो फ्रंटल एरिया था वो बिल्कुल ही लॉस हो चुका था। फ्रंट से सारे बाल मेरे ख़त्म हो चुके थे, टेम्पल्स मेरे ख़त्म हो चुके थे, और मेरा क्राउन एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा बाल्डनेस आ चुका था। मेरे कुछ ही बाल बचे हुए थे मिड सेक्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा थिन थे, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, एंड मेरे बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं हो पा रहे थे। मेरा कोई हेयर स्टाइल तो बन ही नहीं पाता था। मेरा काफ़ी टाइम से मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहा था, बट फिर फाइनली मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीज़न लिया। मेरी 29-30 ईयर्स एज थी जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, और जो मेरा हेयर फॉल था वो मेरे को लगभग 22-23 साल से, जब मेरी एज थी तब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज होती है उस टाइम आप कोई PRP या मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाते हो तो आपका हेयर फॉल रुक जाता है, जिससे कि बाद में आपके बाल झड़ते नहीं हैं। बट स्टार्टिंग में मैंने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, उस टाइम इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो बस जैसे ही किसी ने कुछ बता दिया किसी ऑयल के बारे में, तेल के बारे में, तो मैंने बस वही चीज़ें ट्राई की, और वो भी अच्छी तरह नहीं कर पाया, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरे बाल बिल्कुल ही झड़ते गए, और फाइनली एक ऐसी स्टेज आ गई कि उस टाइम मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ा। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हुआ हुआ था, क्योंकि उस टाइम मुझे कैप पहनना पड़ता था। हर टाइम मैं कैप लगा के रखता था। मैंने लगभग 1.5-2 साल कैप यूज़ की है, और मैं जब भी कहीं बाहर जाता था तो कैप ही पहनता था। किसी शादी फंक्शन में जाने पर दिल नहीं करता था, कोई फ़ोटो खिंचवाने का मन नहीं करता था। मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च करने के बाद अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। मैंने एक ही बार में अपना फुल हेड कवर करवाया था, फ्रंट से लेके क्राउन तक मैंने बाल लगवाए थे एक ही बार में। और जो डोनर एरिया यूज़ हुआ था वो मेरे बैक साइड से, यहाँ से बाल निकाले गए थे और मेरी बियर्ड के नीचे के हिस्से से बाल निकाले गए थे मेरा एक बार में फुल हेड कवर करने के लिए। देखिए, सब चीज़ें डोनर एरिया के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है तो आपका डोनर से ही काम चल जाएगा आपका ट्रांसप्लांट में। अगर आपका डोनर एरिया इतना अच्छा नहीं है और बाल्डनेस कुछ ज़्यादा ही है तो आपका डोनर एरिया से बाल पूरे नहीं पड़ेंगे आपके कवर करने के लिए, तो आपको बियर्ड से या बॉडी के हेयर भी देने पड़ सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी बाल्डनेस लेवल कितनी है। तो कंप्लीट प्रोसेस होने में मुझे 2 दिन का टाइम लग गया था। मेरे 2-2.5 दिन में मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ था। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मैंने 5-6 दिन अपने घर में रेस्ट किया था। मैंने ऑफिस से अपने 1 वीक की लीव ली हुई थी, तो मैंने पहले 7 दिन समझो घर पर ही रेस्ट किया था, और उसके बाद जब 7 दिन कंप्लीट हो गए थे तो मेरी बॉडी बिल्कुल ओके हो गई थी। मेरे को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले 4-5 दिन में आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि स्वेलिंग, हल्का फुल्का पेन, इचिंग, ये सभी चीज़ें आपको नॉर्मली होती हैं, जो कि टेम्परेरी होती हैं, तो कोई इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और 7-8 दिन के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल ही एग्जैक्टली जैसे पहले थी वैसे हो जाती है, और आप अपने नॉर्मल काम कर सकते हो। जब मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 10 दिन कम्प्लीट हो गए थे तब मेरे को हेयर लाइन अपनी दिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने हेड वॉश कर लिया था और उसके बाद जो क्लॉट्स वगैरह थे सब रिमूव हो गए थे, एंड जो हेयर लाइन निकल के आई थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी।
बढ़िया डेंसिटी थी और जो मुझे थोड़ी सी एग्रेसिव हेयर लाइन चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी एग्रेसिव हेयर लाइन बनवाई थी डॉक्टर को कह के। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी हेयर लाइन को नीचे करना चाहो या ऊपर करना चाहो, वो जैसे भी हो आप अपने आप खुद करवा सकते हो। 15-20 दिन के बाद आपका शेडिंग फेज शुरू हो जाता है। मेरा शेडिंग फेज 15 दिन के बाद शुरू हो गया था। इसमें जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो रूट्स होती हैं वो तो आपकी स्कैल्प के अंदर, आपके सिर के अंदर सेट हो जाती हैं, बट जो ऊपर के बाल होते हैं वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सभी लोगों के साथ शेडिंग फेज आता है। कई लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि हमने अभी अभी ट्रांसप्लांट करवाया है और ये सारे बाल तो झड़ना शुरू भी हो गए, बट ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। 15 दिन से लेके 60-70 दिन तक आपका शेडिंग फेज चल सकता है। इसमें आपके 90% तक बाल दोबारा झड़ सकते हैं, सारे के सारे भी झड़ सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 40-50% एरिया ही शेड हुआ था। मेरे 2-2.5 महीने के बाद से धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो गई थी। 3 महीने के अंदर मेरे बाल काफ़ी दिखने शुरू हो गए थे सिर के ऊपर। अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो सिर्फ सेलिब्रिटी लोग ही अपना ट्रांसप्लांट करवाते थे, जो एक्टर लोग हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग, कॉमन लोग अपना ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते थे क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। और आज की डेट में ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सेफ़ है और इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है। एंड फाइनली अगर बात करूँ तो 4 महीने के अंदर मेरा रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आ चुका था। मेरी डेंसिटी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और मेरा रिजल्ट काफ़ी जल्दी भी आया था क्योंकि मेरा शेडिंग फेज कम हुआ था और मैंने अपने बालों की केयर भी काफ़ी अच्छी तरीके से की थी। तो वो काफ़ी बढ़िया मेरा रिजल्ट 4-5 महीने के अंदर ही आ गया था। केयर के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, अपना रिजल्ट दिखाने के बाद आपको बताऊंगा कि आप अपने बालों की क्या केयर कर सकते हो। मैं अभी के टाइम अपने बालों की क्या केयर कर रहा हूँ जिससे कि मेरा रिजल्ट बना हुआ है। 6-7 महीने में मेरा रिजल्ट बिल्कुल आ चुका था। मैं पूरा सेटिस्फाइड था अपने रिजल्ट से, काफ़ी अच्छी डेंसिटी मेरी आ गई थी। आमतौर पर अगर मैं बात करता हूँ तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में 9 से 10 महीने, इवन 1 साल भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है वो चीज़ को। तो अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो आप मिनिमम 8 से 9 महीने तक मान के चलो कि आपके बाल आएंगे और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। बस अपने बालों का ध्यान रखना है, जो आपको डॉक्टर ने बताया है वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है और इसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और मेडिसिन मैंने पहले 6-7 महीने ही यूज़ की थी। जब तक मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया तो मैंने फिर मेडिसिन बंद कर दी थी क्योंकि मेडिसिन को लगातार कंटिन्यू लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि कोई भी मेडिसिन होती है वो 1-1.5 साल अगर आप लगातार यूज़ करते हो तो वो अपना असर देना बंद कर देती है और फिर बाद में आपको उसकी आदत पड़ जाती है और बिना उसके फिर आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने मिनोक्सिडिल 6 महीने तक लगाया था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसकी फ्रिक्वेंसी कम करते करते उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया था और मैंने साथ में एक बायोटिन विटामिन की टैबलेट ली थी जो कि मैंने भी 6-8 महीने ही ली थी। उसके बाद मैंने नहीं ली। बायोटिन विटामिन की टैबलेट तो आप हमेशा भी ले सकते हो क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि मिनोक्सिडिल का साइड इफ़ेक्ट होता है। मिनोक्सिडिल आपको 6-8 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और आपको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। जब भी आप मिनोक्सिडिल को बंद करो तो आप अगर 1 दिन में 2 बार लगा रहे हो तो फिर उसको 1 दिन में 1 बार लगाओ, फिर 10-15 दिन के बाद आप उसको 2 दिन में 1 बार लगाओ, फिर ऐसे से धीरे धीरे करके उसको बिल्कुल आराम आराम से बंद करोगे तो आपके बालों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और फिनास्ट्राइड की टैबलेट डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड नहीं की थी तो मैंने फिनास्ट्राइड नहीं लिया था। मैंने जो मिनोक्सिडिल यूज़ किया था उसी के अंदर फिनास्ट्राइड था। मैंने मोरएफ का 5% मिनोक्सिडिल ये वाला यूज़ किया था जो कि मैंने 6-7 महीने के बाद बंद कर दिया था। और मैंने जो मिनोक्सिडिल के साथ साथ बायोटिन और विटामिन की टैबलेट ली थी वो मैंने ये 2 टैबलेट यूज़ की थी। तो यही 2-3 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, इसके अलावा मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। और मेडिसिन मैंने 6 से 7 महीने के बाद बंद कर दी थी जब मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ गया था। उसके बाद बस मैंने अपने बालों की केयर ही की है। तो अभी अगर फ़िलहाल मैं आज अपनी 3 साल बाद की कंडीशन की बात करूं, वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट डे से लेके 2.5 साल तक का पूरा रिज़ल्ट दिखा रखा है, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है। और मैं अभी आपको 3 साल बाद की जो मेरी कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा रिज़ल्ट कैसा लग रहा है, क्या मेरा रिज़ल्ट ठीक चल रहा है जैसा पहले था, वैसा ही है कि डेंसिटी मेरी ऊपर नीचे हुई है। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आता है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, देखिए मैं थोड़ा व्हाट्सएप पे काफ़ी टाइम से ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाया, काफ़ी लोगों को शायद मैंने रिप्लाई भी नहीं दिया हो, बट कोशिश करूँगा कि यार आपको रिप्लाई करने की, तो आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, मेरे को जैसे ही टाइम लगेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बालों की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी लंबी है, इस टाइम मैंने काफ़ी लंबे बाल रखे हुए हैं
कुछ इतने ही लेंथ है बालों की। एंड स्मूथनेस बालों की बरकरार है। मैंने आपको बताया ही है कि बालों को स्मूथ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। बात करते हैं कि जैसे मैं अभी अब क्या क्या फॉलो करता हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट बना रहे, मेरे बाल हेल्दी रहें, इनकी डेंसिटी अच्छी रहे। तो सबसे पहले देखिए, बात की जाए तो मैं अभी सिर्फ 2 टाइम हफ्ते में ऑयलिंग करता हूँ। मैं सिर्फ नारियल का तेल लगाता हूँ 2 दिन हफ्ते में, जिस दिन मुझे शैम्पू करना होता है उससे 1 रात पहले मैं रात को लगा के सो जाता हूँ और सुबह उठ के फिर मैं शैम्पू कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं ऑयल बिल्कुल नहीं लगाता और साथ ही साथ वही हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू यूज़ करता हूँ। देखिए, जब मुझे डैंड्रफ होता है तो मैं ये डैन क्लियर का ये वाला केटोगनोजोल वाला शैम्पू यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेता हूँ जो भी मुझे घर पे मिलता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर ज़्यादा केमिकल ना हो, हर्बल शैम्पू हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बालों के लिए
जैसे कई लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे बाल बड़े हार्ड हैं, कर्ली हैं, और मेरे बाल सॉफ्ट इसलिए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आपके बाल हार्ड ही आते हैं, कर्ली ही आते हैं। 1 साल 1.5 साल तक आपके बाल थोड़े घुंघराले टाइप के रहते हैं, बट धीरे धीरे वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं इसीलिए एलोवेरा ज़रूर अपने बालों में यूज़ करता हूँ। मैं एलोवेरा की जेल हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर लगाता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। एक तो ये बालों को सॉफ्ट करते हैं, शाइनी बनाते हैं, और बालों के लिए काफ़ी अच्छा है एलोवेरा। तो एलोवेरा मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ। अगर आप भी अपने बालों में एलोवेरा लगाना शुरू करोगे तो 3 से 4 महीने में आपको भी अपने बालों में रिजल्ट दिखेगा, आपके बालों में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो ये 3 चीज़ें मैं सिर्फ अभी अपने बालों को लगाता हूँ। इसके अलावा बस अपनी डाइट अच्छी रखता हूँ। मैंने कंप्लीट हेयर एंड केयर के ऊपर, डाइट के ऊपर सारी वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो आप वो चीज़ वीडियो ज़रूर जाके देखिए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो के अलावा आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का।